हेलो दोस्तों, आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस पे। और दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी छात्रों के लिए है द्विवेदी युग काव्य की विशेषताएं। यहां पे पूरी जानकारी अपन देखने वाले हैं और कैसे याद करना है ट्रिक के माध्यम से यहां पे आप लोग को पूरा बताने वाले हैं, किस प्रकार से आपको पेपर में भी लिखना है क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है। इसके पहले हमने भारतेंदु युग बता चुका हूँ और पूरा आपको वहाँ पे मैंने पूरा ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा क्लियर किया था। चलिए आज बात करते हैं द्विवेदी युग की और इसमें पूरा आप लोग को द्विवेदी युग की काव्य की विशेषताएं और जो कवि हैं उनके रचनाएं क्या क्या हैं पूरी जानकारी अपन देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल में तक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग को एक ट्रिक याद करना पड़ेगा द्विवेदी युग में, मादेव प्रअंध, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत छोटा है, एक बार जब इधर पढ़ लेंगे तो ट्रिक भी याद हो जाएगा, माँ देव प्रअंध। अब यहाँ पे कैसे होगा, माँ से हो जाएगा मानव प्रेम, मतलब उस टाइम के जो व्यक्ति थे उनमें मानव प्रेम बहुत ज़्यादा था। द्विवेदी युगीन कविताओं में मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना विशेष रूप से मिलती है, मतलब द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, ये इसके प्रवर्तक हैं, तो उनके द्वारा जब ये रचित किया गया और भी जो हैं सभी के द्वारा, तो उनके जो कविताओं में मानव मात्र प्रेम मतलब मानव का प्रेम, मानव के प्रति प्रेम ज़्यादा जागृत किया गया है। इसके बाद देशभक्ति, माँ देव तो देव दा से हो जाएगा यहाँ पे देशभक्ति, तो देशभक्ति मतलब द्विवेदी युग में देशभक्ति को व्यापक आधार मिला है। उस टाइम पे अपना देश अंग्रेजों के गुलाम था, उस टाइम पे देशभक्ति दिखाना बहुत ज़रूरी था, तो कोई कविताओं के माध्यम से तो कोई डायरेक्टली, मतलब किसी न किसी माध्यम से सभी लोग अपने देश को बचाने के लिए, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए और कविताएं लिख के काम करते थे और लोगों को जागरूक करते थे। इस काल में देशभक्ति विषयक लघु एवं दीर्घ कविताएं लिखी गई है। इसके बाद चलते हैं वर्णन प्रधान कविताएं, इसके बारे में यहाँ पे देख लीजिए, वर्णन प्रधानता इस युग की कविताओं की विशेषता है, मतलब जो कोई भी चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कविताओं को डिटेल किया गया है, वर्णित किया गया है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है प्रकृत चित्रण, इस युग के कवियों ने प्रकृत के अत्यंत रमणीय चित्र खींचे हैं। प्रकृत का चित्रण किस प्रकार से किया गया, माँ देव प्रअंध, प्रकृत चित्रण हो जाएगा। तो इस युग के कवियों ने प्रकृत के अत्यंत रमणीय चित्र मतलब बहुत ही सुंदर और आकर्षक मनमोहक चित्रों का वर्णन किया है, खींचा है, बताया है। फिर इसके बाद है प्रअंध, अंध में हो जाएगा अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध, मतलब जो अंधविश्वास आज के डेट में हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे हर एक जगह घर में भी है, अंधविश्वास है, रूढ़वादी है, तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी थी। इस काल की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए गए हैं। तो ये हो जाएगा कि इस काल की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए गए हैं, मतलब कि ऐसे उन्होंने कविताएं लिखी, ऐसी रचनाएं कि जिस पर जो समाज के प्रति अंधविश्वास है उनको दूर किया गया है, रूढ़ियों पर तीखा प्रहार, मतलब उनको डायरेक्टली टारगेट करके और उसके रूढ़ियों को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए उन्होंने कविताएं लिखी हैं। इसके बाद चलते हैं इनके जो कवि हैं और लेखक कवि हैं और इनकी रचनाएं क्या हैं, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उस टाइम के, जिन्होंने पंचवटी जो है यहाँ पे खंड काव्य लिखा था और जयद्रथ वध, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा था युग चरण और समर्पण। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो इस द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं, उन्होंने लिखा था काव्य मंजूषा, सुमन और भी अन्य चीज़ लिखे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक तो भी याद होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से आप लोगों का एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है द्विवेदी युग। इसके पहले हमने भारतेंदु युग समझ चुके हैं, इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पर छायावादी युग। तो छायावादी युग काव्य की विशेषताएँ आपको मिल जाएगा, इसी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके और देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। चैनल में तक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हिंदी का कोई भी विषय मतलब हिंदी का कोई भी टॉपिक आप लोग को यदि दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो जरूर मिलेगा आप लोग को। और कोई भी दिक्कत होता है 9वीं से 12वीं तक का सभी पढ़ाई अपने चैनल में कराई जाती है,
जाके आप लोग देखिए और लगातार वीडियो आती है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, सभी जो पिछला वीडियो सभी मिल जाएंगे आप लोग को। अलंकार रस सभी वीडियो अपलोड है, जाके आप लोग वहाँ पे देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग को वहाँ पे पूरा PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।